हेलो, हमारे साथ अवेश भाई जुड़ चुके हैं। आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है मुमताज एंटरप्राइजेस के कर्ता धर्ता मालिक अवेश भाई, डाइसिंग और डायनामाइक पर्सनालिटी, इस वक्त मैच का आनंद ले रहे हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। एक बड़ा मैच, एक तरफ एक्सपीरियंस की भरमार वसीम अंसारी तो एक तरफ युवाओं का जोश जॉली युवा। इस मैच की विजेता टीम टकराएगी आखिरी मुकाबले में विक्टोरियन स्पोर्ट्स के। इसके बाद सेकंड लास्ट मुकाबला आप देख रहे हैं, आरके स्पोर्ट्स बनाम सिवाश 11। स्ट्राइक पर है योगेश, नॉन स्ट्राइक पर है ऋतिक। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज। रियल स्पोर्ट्स आपका बार बार खिलाड़ी देना है, वरना नाम में मिस्टेक होगा तो हम उसकी जवाबदारी नहीं लेंगे। गेंदबाजी कर रहे हैं मुन्नू। पहली गेंद, गेंद को ड्राइव किया कलाइयों के सारे, कवर ड्राइव एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना जरूर चाहते थे। हालांकि मुन्नू का ये होम ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पर वो प्रैक्टिस भी करते हैं, तो एक्सपीरियंस तो रखते होंगे कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए। इस मरतबा अच्छी गेंद मुन्नू की, बीट पे डॉट गेंद। मुन्नू उनकी ये गेंद फुल टॉप, हमारे साथ मैच का आनंद ले रहे हैं अवेश भाई, इस वक्त मुमताज एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर। हालांकि आप इस वक्त डीपी विकेट पर देख रहे हैं ताजीन। मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, अच्छी वापसी मुन्नू की, डॉट गेंद। अच्छी गेंद की थी, आगे की तरफ रखा था, बैकलिफ्ट को ऊंचा नहीं कर पाए थे बैट्समैन, और सिर्फ अपनी विकेट को बचा सकते थे। इस मरतबा चेंज ऑफ पेस, गेंद पहुंची है कवर मिड विकेट में, एक पूरा किया, अच्छा बैकअप वसीम अंसारी के हाथों से गेंद छूटी थी, बहुत ऊपर थी स्कोर इस वक्त। एक बार फिर मुन्नू,
इस मरतबा गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेके पहुंची थी शॉर्ट फाइन लेग पर। एक ओवर की समाप्ति। स्कोर इस वक्त जौली कामतगर जौली युवा का। ये दो टीमों के नाम बहुत टकराते हैं। जब कामतगर खेलती है तो युवा निकलता है और युवा खेलती है तो कामतगर निकलता है। इसी तरह एक टीम और है जैसे ये रियल स्टार और रॉयल स्टार। हालांकि रॉयल स्टार कोई ना बने, चार ओवर में सिर्फ 6 रन बनाए थे कल रॉयल स्टार ने। 25 साल का कीर्तिमान रॉयल स्टार ने अपने नाम किया है जिसके कैप्टन मैं खुद था। इस मरतबा पहली गेंद, सवाल पूछ रहे हैं वहां पर, सहमति नहीं शकील कोटी सर की। यस, सवाल किया था, उठी है आपको बवाल नहीं करना है, सवाल आप कर सकते हैं, आप विकटों तक चले जाएं सवाल करते करते, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है कवर में, मुन्नू मौजूद, एक पूरा किया, अच्छा थ्रो, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक से संतुष्ट दोनों बैट्समैन। टोटल स्कोर इस वक्त 10 रन। अब इस वक्त डीप मिड विकेट पर देख रहे हैं मुमताज इंटरप्राइजेस का अपना एक प्रोडक्ट लाराइब इंटरनेशनल, जिसे इस्तेमाल करके आप जिंदगी की राहों में आगे बढ़ सकते हैं। इस बीच अगली गेंद, बीट वे बैट्समैन डॉट गेंद, एक बहुत ऊंचा नाम मुमताज इंटरप्राइजेस। इस बीच अराउंड द लेग्स का सम्मान और सत्कार किया जाता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। आपके पास अगर परफेक्ट यॉर्कर नहीं है तो आप तेज गेंदबाज नहीं हो सकते। यस, ओवर टू अजय खरत। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि परफेक्ट यॉर्कर होना जरूरी है तेज गेंदबाज के लिए, क्योंकि जब यॉर्कर लाइन की गेंदें होती है तो बैट्समैन के पास अपनी विकेट बचाने का अवसर रहता है, ना कि बैकलीफ को ऊंचा करने का। जी हाँ, स्कोर इस वक्त 10 रन, डबल फिगर में पहुंच चुकी है जौली कामतगर। हालांकि नए बैट्समैन हरीश, ओवर टू इफ्तिखार अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब मैं आपके साथ कमेंट्री करता हूं, और एक अलग ही मजा आता है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। बहुत बड़ी खुशकिस्मती कि हमारे साथ अजय घरत सर जुड़े, ऊंचे कमेंटेटर। इस बीच गेंद को खेला था लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं थी, बॉलर ने अच्छा वहां पर फील्डिंग करके एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं ताजिन ट्रॉफी 2018, ताजिन इंटरप्राइजेस की देन, हमीद स्पोर्ट्स क्लब सपोर्टेड बाय। इस बीच सफल होकर खेलने का प्रयास किया बीट वे वहां पर बैट्समैन। अब जाकर दो ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर है
11 रन। क्या बात है कि पूरा ये जो सीजन है ये तीसरा कप है जोली युवा के सर पर। पहले ही कप सिटी इमरजेंसी ही कठिनाइयों के बादल रहे हैं। सबसे बड़ी हार जोली युवा के नाम, उसके बाद हमारे नाम। वहां रन ज्यादा थे, यहां सबसे कम रन थे। 25 साल का कीर्तिमान था, 4 ओवर में सिर्फ 6 रन। ये रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल, हालांकि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन अगर जूनियर बच्चे भी आकर खेलेंगे ना तो इतने 4 ओवर में तो नहीं बनाएंगे, कम से कम वो 10 तक तो जाएंगे। सबसे लो स्कोर हमीद स्पोर्ट्स के नाम था अब तक, लेकिन अब रॉयल स्टार के नाम है। और इस चीज को सुनकर रियाज बहुत खुश होते हैं कि हमारा नाम वहां से हट गया है। भारी भरकम शरीर के मालिक रियाज पवार, और जब ये फील्डिंग करते हैं तो फिर बैट्समैन बहुत कठिनाइयों में पड़ता है। इनकी दौड़ से विकेटों पर कुछ हरकत रहती है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त लैलेश। अच्छी गेंदबाजी इस सीजन, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लैलेश। लैलेश गेंदबाजी करेंगे अपने बॉलिंग मार्क से, लंबा रन अप। ये देखिए शकील भाई कबाट वाला, आपको वीआईपी पर आना है प्लीज। इतनी बड़ी हस्ती जब नीचे रहती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। इस बीच गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड लॉन्ग ऑन पर, एक पूरा किया दूसरे के लिए, यस नो वेट का मिश्रण और मना किया एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। शकील कबाट वाला भी हमसे जुड़ रहे, हालांकि मैच का मजा ले रहे हैं। अवेश भाई मुमताज इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ताज इंटरप्राइजेस के तौसीफ भाई, सारे इंटरप्राइजेस आज ताजिन ट्रॉफी में नजर आ रही। इस मरतबा गेंद हवा में, दूर का सफर, अच्छा रनिंग कैच, आउट हो गया बैट्समैन। देखना ये क्या सुमित सोनार कब आते हैं। सुमित सोनार की बल्लेबाजी तो अभी बाकी है। रियल को ये नहीं भूलना चाहिए कि सुमित सोनार एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन अभी तक टीम के कैप्टन ने उन्हें रोक के रखा है। इस मरतबा एक बार फिर से प्लानिंग होगी। दो रन बहुत तेज कदमों से वहां पर पूरे किए थे दोनों बैट्समैन ने, हालांकि लैलेश ने मांग की थी, सवाल पूछा था रमीज रईस सर से। आप देख रहे हैं इस वक्त तीसरा कप सिटी इमर्जन के अंडर में ताजिन ट्रॉफी 2018। जब से सिटी इमर्जन कमेटी बनी है तब से जूनियर कपों के अंदर बहुत कुछ सुधार आया है, और अध्यक्ष मयूर पाटिल का कहना है कि अगर टीमें कॉपरेट करती रही तो इससे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट आप देखेंगे। गेंद को छोड़ दिया था, यह स्वाइट नहीं होगी क्योंकि सफल होना चाहते थे, और सफल होकर जब आप खेलते हैं ना तो वाइट नहीं दी जाती। इंटरनेशनल रूल आप देख रहे हैं, एक बड़ा कप ताजिन ट्रॉफी में। एक और सफल होकर खेलने की कोशिश, यस डॉट गेंद। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप सफल होते हैं तो वो वाइट नहीं होती। भावेश बजागे ने 3 गेंदें छोड़ी थी संयुक्त कप में इसी तरह से, और वो अंपायर के शक्ल को देख रहे थे कि वाइट कब देते हैं, हालांकि वाइट नहीं दी गई।
इस मर्तबा लो तीन ओवर की समाप्ति हुई है। टोटल स्कोर है इस वक्त 20 रन। एक ओवर में अगर 10 से 15 रन आ जाते हैं 6 गेंदों में तो मैच एक तरफा नहीं होगा, क्योंकि जॉली युवा की जो गेंदबाजी है उसमें काफी धार है। हालांकि उनका एक कप अभी आना बाकी है जो कमिंग सून है, लेट विनोद मामा कप। और दादा जैसे हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रकाश दादा का कि वो हम तक आए, तकलीफ उठाई। बहुत ही सुनहरी चाय की दोपहर हम देख रहे हैं इस वक्त। प्रकाश दादा जिनकी होटल पर जाकर आप अपनी नींद को भी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। कड़क चाय और कड़क चाय का कड़क मैच आप देख रहे हैं इस वक्त जॉली युवा बनाम रियल स्टार। यस, इन जिंदगी की राहों में अगर आगे बढ़ना है तो आपको मुमताज इंटरप्राइजेस का अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी, लारेब इंटरनेशनल। यस, आप इसे इस्तेमाल करके जिंदगी की राहों में आगे बढ़ सकते हैं और आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। रियल स्पोर्ट्स आफाक ने अभी अभी कहा है, आई एम सॉरी आफाक और वसीम अंसारी, यहाँ रियल स्टार लिखा हुआ था। वसीम भाई को ऑफिस इस वक्त और पूरी रियल स्पोर्ट्स को शकील भाई कबाटवाला ने ऑल द बेस्ट कहा है। पहली ही गेंद बहुत ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया शकील कोटी सर ने। इसके बाद एक और अच्छा मैच आप देखेंगे आरके स्पोर्ट्स बनाम सिवाश इलेवन। इस मर्तबा थोड़ा सा संभल हुआ दूसरे के लिए, यस नो वेट करके आखिरकार दो पूरे ही कर लिए दोनों बैट्समैन ने। टोटल स्कोर इस वक्त 23 फॉर द लॉस ऑफ टू इंपोर्टेंट विकेट जॉली युवा। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। इस मर्तबा एक बार फिर देखना है क्या कुछ हुआ। व्हाइट एक अच्छी एक खराब गेंदे कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाज कल्पेश। कल्पेश और भावेश ये बहुत नाम है क्रिकेट के अंदर और अच्छे ही साबित हुए हैं सारे नाम। भावेश बजागे, भाविक बजागे, मयूर पाटिल, बंटी, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत आगे चल रहे हैं। लॉफ किया गोहेट को सलामी देता हुआ सिक्सर। इसके बाद की दो टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन, आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन और सिवाश के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, क्योंकि एक इनिंग के फौरन बाद हम टॉस करने वाले। अब कोई भी वहां पर मंत्रालय मीटिंग की इजाजत नहीं है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। टोटल स्कोर है इस वक्त 30 रन।
आप देख रहे हैं ताजीन ट्रॉफी की एक दूसरी दोपहर। हालांकि कल इस स्पर्धा का मेगा फिनाले खेला जाएगा, जहां पर चार टीमें पहले पहुंच चुकी है। अंजुमन स्पोर्ट्स, जेडी स्पोर्ट्स, एचएससी स्पोर्ट्स, उस्मानिया स्पोर्ट्स और अल्फते स्पोर्ट्स, पांच टीमें पहुंच चुकी है। तीन टीमें आज निकलेगी और कल और जॉली स्पोर्ट्स का मत कर, दो टीमें और निकलना बाकी है। अच्छी गेंद, ड्राइव किया गेंद को ऑफ साइड में, कारपेट के सहारे दूसरे के लिए गए बैट्समैन। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दो पूरे किए दोनों बैट्समैन ने। स्कोर इस वक्त सेफ जोन की तरफ बढ़ रहा है, 32 हो चुके हैं और हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज पर 30 और 40 के बीच का जो लक्ष्य होता है वो बहुत होता है। इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया स्टेट लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, जब तक आते दूर का सफर तय करके एक पूरा किया। ये कौन लिखा है? यस, आखिरी ओवर का मैच इस वक्त चल रहा है। गेंद को खेल दिया है स्टेट, अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी की। पिछले पांव पर जाकर स्ट्रोक को खेला था, अपने आप को बहुत ज्यादा रूम नहीं दे पाए थे बैट्समैन, दो से ज्यादा कुछ भी नहीं। पहले बल्लेबाजी करते हुए जौली युवा ने बनाए 36 रन और 37 की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए। इस वक्त रियल स्पोर्ट्स को, हालांकि कल एचएस स्पोर्ट्स के सामने रॉयल स्पोर्ट्स को भी 37 की ही चुनौती थी। अगली दो टीमें सीवास के कैप्टन और आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको आना है। यस, हम इस वक्त टॉस करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट मैच का। अवेश भाई के हाथों से मुमताज इंटरप्राइजेस के मालिक। टॉस को इस वक्त एक बार फिर जीता है आर शिवास स्पोर्ट्स ने। बहुत बहुत शुक्रिया अवेश भाई, आपको वीआईपी पर बैठना है। टॉस को जीतकर इस वक्त पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है सीमास 11 ने। ओवर टू संदेश वखारी।
तर अपन चार षटकाची समाप्ति पाहिली. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर जॉली युवा या संघाची धावसंख्या 36-37 धावांचं आव्हान आहे रिअल स्पोर्ट या संघासमोर. तर पाहूया या चार षटकामध्ये कशा प्रकारे 37 धावांचा पाठलाग करतोय रिअल स्पोर्ट हा संघ, की त्या उलट जॉली युवा या संघाची गोलंदाजी चांगली होते का. तर सामन्याला सुरुवात होते आपण पाहतोय सलामीची जोडी रिअल स्पोर्ट या संघाची भावेश वारे आणि भावेश भगत, दोन्ही भावेश दोन्ही फलंदाज स्फोटक फलंदाज मानले जातात. आपण जर या दोन्ही खेळाडूंचा विचार केला तर तर जॉली युवा संघाचा फ्रंट लाईन गोलंदाज पहिले षटक घेऊन गणेश आलाय. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो या सामन्यामध्ये. तर षटक क्रमांक पहिला गोलंदाज गणेश, पहिला चेंडू. यावेळेस पहिला चेंडू चेंडूवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, मिस टाइम झाला होता, मात्र चेंडू नो मानल्या ठिकाणी टप्पा गातोय. त्या दरम्यान एक धाव पूर्ण स्वतःच तसेच संघाचं खातं ओपन करतोय या भावेश भगत. तर आता मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केलं जाते, त्याचं कारण म्हणजे आपण पाहतो डावखुरा फलंदाज भावेश वारे सलामीला येतोय. स्ट्राईक एंडला आपण भावेश वारे याला पाहतोय, तो नॉन स्ट्राईक एंडला भावेश भगत, दोघेही भावेश आहेत. तर गोलंदाज एक अनुभवी गोलंदाज गणेश षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. आपण पाहू शकता पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं नसल्या कारणानं जास्तीत जास्त क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये आहेत. यावेळेस सुरेख फटका पॉइंटच्या वरून चेंडू जातोय. चांगलं क्षेत्रक्षण, एक धाव पूर्ण, एकापेक्षा आधी एका एक नाही, चांगलं क्षेत्रक्षण आपण पाहिलं त्या ठिकाणी सागर होता. तर धावसंख्या 2 झालेला आहे, 37 धावांचं आव्हान आणि त्या आव्हानाचा पाठलाग करतोय रिअल स्पोर्ट हा संघ. अजून आपण येणाऱ्या फलंदाजांचा विचार केला तर अजून चांगली फलंदाजी आहे रिअल स्पोर्ट या संघाकडनं. यावेळेस एक खराब चेंडू आपण पाहतो, यष्टरक्षक भेट झालाय, 1+1 दोन धावा आल्या, वाईट चेंडू. या दोन धावेशी धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या धावफलकावर 4 झालेला आहे. दोन्ही संघांचा विचार केला तर दोन्ही संघ मजबूत आहेत, त्या कारणास्तव एक अटीतटीची लढत पाहायला मिळेल यात मात्र काही शंका नाहीये. चांगली लढत होईल या दोन्ही संघादरम्यान. गणेश यावेळेस आपल्या स्टेप मध्ये चुकतोय. पुन्हा एकदा बोलतोय गणेश. यावेळेस स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये, चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय गणेश याच्याकडनं, एक अनुभवी गोलंदाज मानला जातोय. आपण वारंवार पाहत असतोय की पहिले षटक हाताळताना मात्र जास्त कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा मानस असतो गणेश या गोलंदाजाचा, आणि तसंच काहीतरी यावेळेस सुद्धा आपण पाहतोय. यावेळेस खोलवा टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढला, चेंडू जमिनी लगत गेला होता, एक धाव पूर्ण. हरेश त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय, त्या दरम्यान एकच धाव, एकापेक्षा अधिक काही नाही. आपण जॉली युवा या संघाला पाहतोय, आज जवळजवळ 5-6 बदल या संघामध्ये पाहतोय.
तर गणेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करतोय. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन गणेश सज्ज झालाय. आपण भावेश याला स्ट्राईक एंडला पाहतोय. भावेश भगत यावेळेस मोठा मटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पाहूया काय घडलंय काय बिघडलंय त्या ठिकाणी. चौकार तर झेल सुटली त्या ठिकाणी आणि त्यानंतर मात्र चौकार होतोय सीमारेषे बाहेर. चेंडू पाहिला होता आपण. मौका भी दिया और चौका भी दिया. आणि ज्या वेळेस आपण क्रिकेटमध्ये पाहतो एखाद्या फलंदाजाचा जीवनदान मिळतो त्यावेळेस मात्र तो आक्रमक होताना आपण वारंवार क्रिकेटमध्ये पाहिलेला आहे. मात्र या जीवनदानाचा कुठपर्यंत फायदा उचलतोय भावेश भगत हे पाहणं मात्र अनिवार्य ठरेल. कारण आपण या चेंडूचा विचार केला तर चेंडूपैकी कोणत्याही प्रकारची खराबी नव्हती. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहतोय गणेश या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. मात्र क्षेत्ररक्षक योगेश याच्याकडनं काही साथ मिळाली नव्हती गणेश यास. पुढचा चेंडू यावेळेस अप्रतिम चेंडू अप्रतिम चेंडू प्रशंसाजनक चेंडू आपण पाहिला. कोलवा टप्प्याचा चेंडू चेंडू सरला यष्टरक्षक कळे करतोय निर्धावच्या स्वरूपात. कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र धावसंख्या 9 झालेला आहे. अतिशय सुरेख षटक आता गोलंदाज गणेश याने. तर पाहूया दुसरं षटक घेऊन कोणता गोलंदाज येतोय. कारण 37 धावांचं आव्हान आणि त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना आपण रिअल स्पोर्ट या संघाला पाहतोय. तर त्या आव्हानाचं प्रत्युत्तर आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 9 आहे. तर गोलंदाज शुभम दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आलाय. पाहूया या षटकामध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. मात्र एक चांगला गोलंदाज मानला जातो अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचा कुठपर्यंत फायदा उचलतोय शुभम हा गोलंदाज पाहणे अनिवार्य ठरेल. वारंवार आपण क्षेत्रक्षणामध्ये बदल पाहतोय संघाचा संघनायक सुमित सोनार याच्या मार्फत. कारण एक उजव्या फलीचा तर एक डाव्या फलीचा फलंदाज आपण पाहतोय. यावेळेस डावखुरा फलंदाज भावेश वारे यापुढील चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज झालाय. तर षटक क्रमांक दुसरा षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज बोलतोय शुभम. यावेळेस सुरेख फटका चेंडूवर प्रहार झालाय आणि चेंडू मात्र सरळ सीमारेषे बाहेर. गुड शॉट षटकार. अतिशय सुरेख फटका आपण पाहिला. एक खराब चेंडू आणि खराब चेंडूला योग्य दिशा भावेश वारे याच्या बॅटमधून. षटकारासोबतच धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावर 15. पहिला चेंडू आपण स्लोवर पाहिला. वेग परिवर्तन करून टाकलेला हा चेंडू. मात्र त्याचा कोणत्या प्रकारचा परिणाम नाही भावेश वारे या फलंदाजावर. षटका टोकतो आपल्या संघासाठी. तर पुन्हा एकदा शुभम बोलतोय षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस कोलवा टप्प्याचा चेंडू नक्कीच होता. कव्हर ड्राईव्ह केला जाते. चेंडू जमिनी लगत गेला. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकदा पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. सहजरित्या दुसरी धाव देखील पूर्ण झालेला आहे. अतिशय क्विकली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजामध्ये. परिणाम स्वरूप दोन धावा पूर्ण झाल्या. दोन धावेशी धावसंख्या पुढे सरकली. धावसंख्या धाव फलकावर 17.